ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। देश की जनता को वादा करो, कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहर के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को पक्का घर मिला है उसका जो पुण्य है उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा जलता रहा है उसके कारण जो पुण्य मिला है वो पुण्य के हकदार आप है, आपका वोट है। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर एक बना दिया था। और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। वन रैंक वन पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। अर्थव्यवस्था है, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ, कैसे हुआ ये? इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? देश को सबसे मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया? माताएं बहनें बताएं, किसने पहुंचाया? ये आपकी उदारता है, आपका प्रेम है, आपके आशीर्वाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है, आपके कारण हुआ है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को पक्का घर मिला है, उसका जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा जलता रहा है, उसके कारण जो पुण्य मिला है, वो पुण्य के हकदार आप हैं, आपका वोट है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता? कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते, चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते, वन रैंक वन पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए, वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने
महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर एक बना दिया था। और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। अरे डूब मरो, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है आपको। टोंक में किन असामाजिक तत्वों के कारण यहां की इंडस्ट्री बंद हो गई, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है, और जब से भजनलाल जी और उनकी टीम काम पे लगी है, माफिया अपराधी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर है, पेपर लीक माफिया भी भजनलाल जी का कानूनी डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है, जबकि अभी तो इन्हें सिर्फ 3-4 महीने ही भजनलाल जी और उनकी टीम को हुआ है। जो अपराधी धोखे में है वो जान ले ये भजनलाल जी है। अभी तो भजनलाल सरकार की गाड़ी चलनी शुरू हुई है, अभी तो टॉप गियर में आना बाकी है। साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहू लुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्त भोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मानपूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी देश की जनता को वादा करो, कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहर के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था। साथियों,
कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। 2020 में आरक्षण की संवैधानिक समय सीमा खत्म हो रही थी और उस समय आपने मोदी को सेवा के लिए बिठाया हुआ था। ये मोदी है जिसने दलितों, आदिवासियों का आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक आपको पीने के साफ पानी जैसी जरूरत तक से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए सबसे जरूरी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को भी पास नहीं होने दिया। ये भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी की मेहनत ने 3 महीने के अंदर ही ईआरसीपी परियोजना को पास कर दिया। ईआरसीपी का बहुत बड़ा लाभ टोंक, सवाई माधोपुर को मिलने वाला है। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा। यहां सवाई माधोपुर टोंक जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 1100 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान में गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। साथियों, कांग्रेस को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी एलर्जी है। ये बीजेपी है आज पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवाई माधोपुर से होकर के गुजर रहा है। सरकार ने जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी भी दे दी है। हमने दौसा गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई रेलवे लाइन का दशकों से लंबित काम भी पूरा किया। इस क्षेत्र में इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी बनाकर तैयार हो रहा है। साथियों, 24-20 चुनाव में राजस्थान में ये मेरी आखिरी सभा है। अब 26 अप्रैल को अगले चरण का मतदान है। बीते दिनों मुझे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। अब कल शाम को तो शायद आपका प्रचार अभियान भी पूरा हो जाएगा। ये मेरी आखिरी सभा है। राजस्थान के मध्य सभी क्षेत्रों के लिए मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, अधिकतम मतदान की कामना करता हूं। शादी ब्याह के दिन है, गर्मी भी बहुत है और ऐसे में हम राष्ट्र कर्तव्य न भूले, लोकतंत्र के हमारे दायित्व को न भूले, अधिकतम वोट करें, ये मेरा आग्रह रहेगा। आपने मुझे राजस्थान की यात्रा मैंने देखा है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये आपका ये आशीर्वाद मेरी पूंजी है, आपके सपने मेरे अपने हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल हर क्षण देश के लिए है। इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं और बीते 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो एक केवल ट्रेलर है। अगले 5 वर्षों में हमें देश को, राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाना है। मेरा अनुरोध है आप रिकॉर्ड संख्या में कमल के आगे का बटन दबाकर भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत सभी बीजेपी उम्मीदवारों को संसद में भेजे।
और ये हमारे जौनपुरिया जी सामान्य इंसान नहीं है। मैं पार्लियामेंट में उनको कहता रहता था कि ये जौनपुरिया नहीं, ये तो जानपुरिया है। ये जान भर देते हैं, जहां भी पहुंचते हैं जान भर देते हैं, ऐसे हमारे जौनपुरिया जी को। और आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाने वाला है, और मोदी आपके पास वोट मांगने आया है। आपको एक और काम करना है, करोगे? करोगे? घर घर जाकर कहना मोदी जी आए थे, हर परिवार के लोगों को मोदी जी ने प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दो।